Hello guys, assalamu alaikum. I'm your host Usman and you're watching. यार नाम चेंज कर दिए चैनल का. आप लोग सोचोगे कि यार ये गंजा वैरायटी क्या होता है और मैंने आज टोपी क्यों पहनी हुई है. तो आज इसका बहुत बड़ा सरप्राइज है. मौसम बहुत चेंज हो गया अपने बाद का, तो मैंने सोचा यार कि गर्मी बहुत हो गई है और उल्टा सर के बाल भी काफ़ी गिर रहे थे, तो मैंने बोला क्यों तक गंजा करवाया जाए और चैनल का नाम भी चेंज करके गंजा भाई रख दिया जाए. तो उसी सिलसिले में जो है मैंने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया और अपने आप को गंजा भी कर दिया. आप लोग इतनी जल्दी बात करें, अभी सब कुछ दिखाया जाएगा आपको. जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक की वीडियो व्यू कर रहे हैं लेकिन अभी तक जिसने लाइक नहीं किया, तो उसके घर में मैं आके ना उसको भी गंजा करूँगा. एक बात सुन लो, ये देख ले अभी गंजा रिव्यू हो गया आपके सामने. तो देख लें भाई साहब कैसा लग रहा है गंजा मेरे साथ. जिस चीज़ को गंजा मेरा पसंद है और ऐसा ही करवाना चाहता है तो उसको मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उसको गंजा करूँगा. फिलहाल आपको ले चलते हैं बाहर की जानब और आपको व्यू से इंजॉय करवाते हैं क्योंकि बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है बाहर. जिस गंजे के साथ जो है ना ऐसे भी लगता है कि बाहर एसी की आवाज़, जो हल्की हल्की हवा भी चल रही है, गर्म हवा आ रही होती है, वो भी पता चलता है कि यार ये तो एसी की हवा लग रही है. हल्का सा उस गंजे को जो है पानी लग जाए, ओहो ऐसे लगता है बर्फ़ किसी ने सर पे रख दी हो, इतना सुकून मज़ा आता है. और पहली बार जो मेरा गंजा है, इससे पहले मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं करवाया और इसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है. मैं भी बोलूँगा आप लोगों को, आप जिंदगी में एक बार ट्राई करें गंजा करवा के. चले आपको फिलहाल बाहर लेके चलते हैं और माशाल्लाह व्यू से इंजॉय करवाते हैं और मौसम चेक करवाते हैं आपको. बहुत ही प्यारा मौसम हुआ बाहर का, ये देख सकते हैं गाइज आप लोग, बहुत ही प्यारा वेदर हुआ है. बादल आए हुए हैं, हर तरफ काले बादल हैं, देख सकते हैं. वो पार सामने जो जगह जो है वहाँ पे थोड़े बादल नहीं है लेकिन बाकी आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है बादल ही बादल हैं, काले घने बादल. और पक्के चांस हैं यहाँ आज बारिश होने के. थोड़ी थोड़ी हुई है बारिश, देख सकते हैं ज़मीन अभी भी गीली है थोड़ी बहुत, लेकिन अभी बारिश हुई है. लेकिन अभी फ़िलहाल और भी बारिश होने का मकान 100% है. महकमा मौसमियात वालों ने बताया हुआ था, सौ % बारिश का, लेकिन सुबह से अभी तक हुई नहीं. अभी 12-1 बजे का टाइम हो गया और अभी जाके बारिश हुई है. और मैं भी बाहर आ गया हूँ, छत पे आ गया हूँ मौसम इन्जॉय करने के लिए. और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाई जाए कि यार सरप्राइज़ दिया जाए कि आपको यार कि मेरा ये गंजा कैसा लग रहा है और कैसा महसूस हो रहा है मुझको इस गंजे में. तो अभी हल्की हल्की बारिश लग रही है मेरे गंजे पे और मुझे एसी वाली हवा, ठंडी ठंडी हवा लग रही है. उससे पहले आप लोगों को मैं गंजे के फ़ायदे और नुकसान बताना चाहूँगा क्योंकि गंजे के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं. नुकसान सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि यार गंजा कराने से जो है ना हर किसी बंदे को यार दूसरा बंदा देखता है यार ये क्या हो गया इसको, इसने क्यों करवा दिया, क्या उसके साथ मसला हुआ है, बाल से गिर रहे हैं या फिर कोई ऐसा कोई बुढ़ापा आ गया इसमें, इसलिए गंजा इसलिए करवा दिया. गंजा कराने का एक और नुकसान भी है, लोग ये समझते हैं कि यार ये शायद नवाज शरीफ की पार्टी का PLMN का उसको सपोर्ट कर रहे हैं या उस गंजा उसने करवा दिया, लेकिन नहीं यार उस चीज़ का वो कुछ भी नहीं है. क्योंकि अगर उस चीज़ को सपोर्ट करता तो मैं मुसलसल साल के 12 महीने गंजा ही जाता, लेकिन आई डोंट सपोर्ट PLMN क्योंकि आई हेट नवाज शरीफ गंजा. ये तो मैंने वैसे ही गंजा ठंड गर्मी की वजह से गंजा करवा लिया, बाकी मुझे कोई वास्ता नहीं है नवाज शरीफ के साथ. दूसरा नुकसान गंजे का ये है कि यार जो मिलता है यार टस्ट होकर टपा लगता है सर पे, यार उसको बना कुछ बोल भी सकता है यार, बोलता है यार बड़ा मज़ा आता है गंजा गंजे पे थप्पड़ मारने का, हाथ मारने का. तीसरा नुकसान ये है कि यार जो भी मिलता है दोस्त यार मिलता है वो गंजे पे इस तरह हाथ फेर होता है, बोलता है यार मुझे सुकून मिलता है तुम्हारे गंजे पे हाथ फेरने से. उसे पता नहीं है यार मुझे तकलीफ हो रही होती है या मुझे उलझन हो रही होती है सर पे हाथ फेरने के, लेकिन वो ज़रूर उसमें कीड़ा होगा कुछ ना कुछ और वो आपके गंजे पे हाथ ज़रूर करेगा. इसके फ़ायदे भी हैं, आपको मैं फ़ायदे भी बताऊँगा. इसका फ़ायदा ये है इसका कि यार गंजा चलाने से जो है ना आपको गर्मियों में ख़ास तौर पर जब सही तेज़ धूप लग रही होगी, हल्की सी भी हल्की अगर गर्म हवा भी आ रही होगी ना आपके गंजे पे लग रही होगी, तो आपको इतना सुकून फील होगा यार, ऐसी ठंडी हवा लगेगी आपको सर पे ना, आप बोलेंगे यार बालों में वो सुकून नहीं है, बाल रखे होंगे बंदा बोलेगा यार यहाँ से पसीना, बालों के अंदर पसीना, इतना पसीना पसीना हुआ होगा, लेकिन गंजे के अंदर जो है ना हल्का सा हल्की सी हवा भी लगेगी आपको, ठंडी हवा महसूस होगी बोली. मुझे पता है आप लोग सारे यार बोल रहे होंगे यार इतने दूर दूर से कैमरा से लगाए हुए यार के अपना गंजा तो नज़र इसका आ नहीं रहा, तो मैं आपको गंजे का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ. थोड़ा सा सब्र कीजिए, वीडियो का एंड बड़ी वीडियो है, अभी काफ़ी वीडियो पड़ी है, अभी आपको और भी व्यू से इंजॉय कराएंगे, लेकिन अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, अभी आपको गंजे शंजे का पूरा व्यू आपको मिलेगा. ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. अभी आपको हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लेके चलते हैं, वहाँ पे भी हमारा घर का काम चल रहा है, पेंटिंग का काम चल रहा है. 2 कमरे फिलहाल पेंट पे लगे हुए हैं, तो उधर काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो इस वजह से मैंने ऊपर आया छत पे, मौसम भी इंजॉय करने के लिए और आपसे बातचीत करने के लिए इसलिए ऊपर आया हूँ.
अब इनसे चलते हैं, आप लोगों को पेंटिंग का बताते हैं यार कि कैसे पेंट कर रहे हैं वो हमारे पेंटर साहब जो हमने लगाए हुए हैं। जैसे जैसे आपसे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ बारिश और तेज़ होती जा रही है, यहाँ से अभी भी मौसम इंजॉय कर रहा हूँ। अब सर जो है बाहर ही नहीं जा सकता क्योंकि बारिश बहुत तेज़ चल रही है और इस वजह से बीमार ना हो जाए, इस वजह से मैं अपना सर बाहर ही नहीं जा रहा। फिलहाल अपने रूम में आ जाते हैं यार, ये एक रंग की बोतल पड़ी हुई है, बाकी रंग ये पड़े हुए हैं। अब इस कमरे में भी पेंट होना बाकी है और ये भी अभी सारा कमरा पेंट होगा। जैसे जैसे मैं आपसे बात करते जा रहा हूँ बारिश माशाल्लाह और तेज़ होती जा रही है और तेज़ हो रही है। अल्लाह की कुदरत आप देखें, इतनी प्यारी माशाल्लाह इतना प्यारा व्यू है यार। ये तारों की वजह से जो है व्यू ब्लॉक हो रहा है लेकिन बहुत ही प्यारा व्यू है यार, आपको क्या बताऊँ मैं। अगर आप लोग यहाँ पे होते मेरे साथ तो इन्जॉय कर रहे होते आप लोगों को पता चलता अहमदाबाद का व्यू का और मौसम का। ख़ासतौर पर अहमदाबाद के मौसम का कुछ पता नहीं है कि यार किसी टाइम भी मौसम का चेंज हो जाना, यहाँ पे बारिश हो जाना, धूप हो जाना, गर्मी हो जाना, सर्दी हो जाना, एकदम से कुछ पता नहीं चलता। अब मेरे ख्याल में इतनी गर्मी थी गंजा में, ऐसा ऐसा कि यार गर्मी है तो आज जगह बारिश लग गई है और मुझे सर्दी लग रही है गंजा। गाइस यहाँ पे भी मैं सोफे पे बैठा हूँ, बेस्ट प्लेस है यार यहाँ पे बैठ के जो है ना अहमदाबाद का वेदर इन्जॉय करने की और आपसे बात शात करने की, ये बेस्ट जगह है। हल्की हल्की जो है ना बूंदाबांदी जो है ना इधर भी आती है ये, क्योंकि अभी मैं निकासे पे बैठा हूँ। लेकिन भाई साहब बहुत ही प्यारा मौसम है यार, बहुत ही इन्जॉय करने वाला ये मौसम है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा अहमदाबाद में यह हमारी क्रिकेट टीम भी आई है, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में आई है। यहाँ से अभी आर्मी ट्रेनिंग सेंटर नज़र तो आता है लेकिन धुंध की वजह से जो है वो बिल्कुल बादल आए हुए हैं यहाँ पे और नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब ये मौसम क्लियर होगा तो आपको मैं वो भी व्यू दिखाऊंगा जहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में जो है हमारी क्रिकेट टीम पाकिस्तान गई है और वहाँ पे हमारे खान साहब आज़म खान साहब जो है जो कि पहाड़ी छोटी सी पहाड़ी और ही चढ़ सक रहे थे और आज जो है वो पहला टी ट्वेंटी हुआ उसमें भी उन्होंने ख़राब परफॉर्मेंस की है, दूसरी बाल पर आउट हो गए। यार क्या है यार, ये टीम कर क्या रही है हमारी, आगे वर्ल्ड कप हमारे सर पर है, सर पर बाल भी नहीं है अब तक फिलहाल। लेकिन सर पे मतलब कहने का मतलब यह है कि यार 1 जून से जो है वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है और ये टीम कर क्या रही है, आयरलैंड से हारी, न्यूजीलैंड की सी टीम से, जिनको जिन मैं एक किसी का नाम यार एक दो बंदों का सिर्फ नाम सुना हुआ है, बाकी को जानता ही नहीं यार, पता ये है कौन सी टीम है, ये उस टीम से आ रही है यार, कुछ खुदा का खौफ करो यार, आयरलैंड से भी तुम लोग आ रहे हो। लेकिन हमारी टीम जो है यार बोलता हूँ यार नबीबिया या USA का भी टूर कर लेते हैं वो पाकिस्तानी टीम, तो उनको भी बोलेंगे यार खबर यार आप लोगों को भी, हम लोग आप लोग क्रिकेट खेलने आए हो, आप लोगों को भी चांस देंगे, आप लोग जीतो हमसे, हम लोग आप लोगों को जिताएंगे, आप लोगों से टैलेंट लेकर आएंगे, टैलेंट उभारेंगे, हमारा अपना टैलेंट जो है बेशक वेस्ट होता रहे लेकिन आपका टैलेंट ज़रूर हम लोगों को लेकर आएंगे। वो एक 40-40, 50-50 लाख सैलरीज मिल रही हैं हेड कोच को, डायरेक्टर्स को, ये लोग क्या कर रहे हैं हमें नहीं बताया, मुझे नहीं बताया वर्ल्ड कप जीत क्या हो यार, बस दफा करो मुझे नहीं उनके बारे में बात करनी। ये हम रूम की तरफ आ गए हैं, दोनों रूम की तरफ ये पेंट चल रहा है, यहाँ पे पेंटर लगे हुए हैं यहाँ पे काम करने के लिए। बाकी ये एक रूम है और दूसरा रूम जब आपको वहाँ पर विजिट करेंगे, ये चलते हैं आपको दूसरे रूम की तरफ। ये छोटा सा गेट बनाया हुआ हमने सेकेंड रूम में जाने के लिए, चलते हैं यहाँ से दूसरे रूम की तरफ, यहाँ पे लगे हुए हैं पेंटर जो कि मसरूफ़ हैं, उनसे बातचीत नहीं हो सकती लेकिन काम में बड़े मसरूफ़ थे इसलिए हमने बड़ी बड़ी वीडियो बनाई है, वीडियो आपसे शेयर की है, होप आपने ये लाइक की होगी पेंटिंग। तो भाई साहब व्लॉगिंग का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ तक ये व्लॉग था और यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, तो होप आपने ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा, अगर इन्जॉय किया तो यार इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है इस वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले यार मैं भी इस तरह की और वीडियो बना सकूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने इसकी सपोर्ट ना दिखाया ना दिखाया तो मेरे बाल वापस आ जाएंगे और मैं इस तरह के व्लॉग नहीं बनाऊँगा, और जिसने ना सिर्फ लाइक किया ना तो मैं उसके घर में आके उसको भी इस तरह का गंजाना किया तो बोलना। तो टेक केयर, खुदा हाफिज़। जी दस का मजाक था और धमकीचम की कुछ नहीं थी, आप लोग मेरे लव हो यार, आप लोग की वजह से जो है मैं थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलती है और वीडियो शीडियोस बनाता हूँ, इस वक्त कंडीशन जो होते रहती हैं बस रोज़ कुछ ना कोई आपके लिए कंटेंट लेकर आऊँगा। तो आओ आपने ये वीडियो इन्जॉय की हो, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका होस्ट उस्मान, अल्लाह हाफिज़, ज़्यादा चाहूँगा।